बाजू में जो है पीला वाला येलो वो है सेफ्टी हेलमेट। सामान्य जनरल कार्य करने के लिए सेफ्टी हेलमेट पहना जाता है। ऊपर से कोई नट बोल गिरा, कोई मटेरियल गिरा तो हमारा बचाव हेड का हो सकता है, तो सेफ्टी हेलमेट, शॉर्ट ब्रांच, नॉन कंट्रोल ब्रांच। शॉर्ट ब्रांच में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, आपको पानी बंद कराना है, चालू कराना है तो हाइड्रन ऑपरेटर को बोलना पड़ेगा। ब्रांचमैन खुद स्प्रे जेट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोल ब्रांच। उसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड ब्रांच। और ये गन मेटल का होता है, गन मेटल यानी कॉपर और पित्तल, तांबा और पित्तल को मिक्स करके बनाया जाता है, वो है गन मेटल। तो उसका बना हुआ है, जैसा आप भी बताया था, डिलीवरी होज में एक एंड में मेल कपलिंग, दूसरे एंड में फीमेल कपलिंग। डिलीवरी होज 63 mm डायमीटर वाले डिलीवरी होज फायर फाइटिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और पंप के आउटलेट के साथ लगाया जाता है, या तो हाइड्रन के आउटलेट के साथ लगाया होता है। हाइड्रन का आउटलेट 63 mm डायमीटर फीमेल कपलिंग वाला होगा, उसमें डिलीवरी होज की मेल कपलिंग जुड़ी जाएगी। आप तो एक, आपको एक से ज़्यादा होज जोड़ना है तो आगे जोड़ते जाइए, लास्ट में ब्रांच लगा सकते हैं जो ज़रूरी है वो। इधर जो बैग में रखा है वो HR सूट है, हीट रेसिस्टेंट सूट। हीट रेसिस्टेंट सूट आग के अंदर 58 सेकंड तक पहन के कोई इमरजेंसी वाला कार्य कर सकते हैं, किसी को उठा के बाहर लाना है, ये 58 सेकंड में बाहर निकल जाना पड़ेगा। 58 सेकंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ थोड़ा सा सफोकेशन होगा ऐसा महसूस करेंगे, मगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। खुद मैंने भी पहन के उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्लियर? यस सर। उसका हेलमेट आता है, उसके आगे जो ग्लास आता है उसको बोलते हैं विजन वाइजर, पूरा विजिबल रहता है, दिखाई देता है। और पूरा हैंग्लोज भी एल्यूमिनाइज का होता है, और बॉडी को कुछ होगा नहीं। फायर के अंदर से इमरजेंसी कार्य यदि 58 सेकंड में हो सकता है ऐसा है तो कर सकते हैं, बाकी तो ओवरऑल है जिसको बोलते हैं हम लोग डांगरी। इसमें ये सारे गमबूट है, जब फायर फाइटिंग करते हैं तब गमबूट पहनना पड़ता है। सेफ्टी हेलमेट जनरल कार्य में पहनना पड़ता है, क्योंकि नट बोल्ट वगैरह कहीं गिरता है तो अपने पैर के ऊपर पैर को चोट नहीं लगेगी। उसमें एक आगे टो के ऊपर एक कटोरी जैसा लोहे का प्लेट लगा हुआ रहता है, फिक्स करने के लिए लाइन है, नॉट्स एंड लाइन, रेस्क्यू नॉट। रेस्क्यू नॉट समझो, 5 रेस्क्यू नॉट है, बाकी जनरल नॉट है। बोलाइन, बोलाइन ऑन द बाइट, रनिंग बोलाइन, फिर चेयर नॉट और सेल्फ रेस्क्यू नॉट जिसको ड्रॉ हिच बोलते हैं। ये 5 नॉट इससे प्रैक्टिस करने के लिए है, इससे नॉट बना के किसी का जान बचाना है या किसी को नीचे उतारना है, इससे नहीं उतरेगा। लंबा मोटा वाला रस्सा चाहिए, ये प्रैक्टिस करने के लिए है। ये 35 फीट एक्सटेंशन लेडर, एक्सटेंशन लेडर उसमें लगा हुआ एक रस्सी आपको दिखती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडिंग लाइन। इसमें जो राउंड है और राउंड स्ट्रिंग के साथ जोड़ा हुआ है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंडुलम टाइप। हेड पुली, हेड पुली के जरिए हम लोग लेडर को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इसका अलग अलग पार्ट का मेजरमेंट है, एक एक फीट पूरा टोटल एक्सटेंड करेंगे तो 35 फीट होगा। तब हम लोग किसी को उतारना है या हमको उतरना है उतर सकते हैं। उसके सेफ्टी के लिए इसमें दोनों पार्ट अलग नहीं हो जाए, इसके लिए अंदर एक सेफ्टी स्टॉपर आता है, नीचे के वहाँ जाके अटक जाएगा। लेडर स्लिप नहीं होगा जमीन से, इसके लिए ये रबर सूज लगा हुआ है, हील रबर सूज नीचे होगा वो,
ऊपर जो हिल जाएगा हेड, उसमें हेड रबर क्या उसका नाम है वो होता है रबर, तो ऊपर की टच करोगे दीवार को तो ये स्लिप नहीं होगा। कोई बोलता है कि हमारे पास CO2 गैस ख़त्म हो गया है, ऑक्सीजन आपको भर के दे देते हैं, आपको तो प्रेशर ही चाहिए ना, तो चलेगा? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन होगा फायर को और भड़काएगा और फायर ज़्यादा जलेगी। इसमें ये सीलिंग किया हुआ रहता है, कैप के अंदर जो प्लंजर आता है उसको ज़ोर से मारते हैं सेफ्टी क्लिप निकालने के बाद, पंच होता है और उसमें कैप के नीचे की साइड में पोर्ट होल होता है, वहाँ से अंदर जाता है प्रेशर और वो प्रेशर बाहर आने के लिए ट्राई करता है, तो डिस्चार्ज नोजल होगा वहाँ से प्रेशर के साथ जो आपने मटेरियल अंदर भरा है, यदि फॉर्म है तो फॉर्म आएगा और यदि पानी है तो पानी बाहर आएगा, इसका प्रेशर के वजह से। ये हम लोग फायर वाले नहीं भरते हैं, कोई पार्टी को देना पड़ता है, वो पर कार्टिज कितना पैसा लेता है वो हमको बिल पे करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सील होता है और उसको जब भी आप लगाते हैं रिप्लेस करते हैं तो उसका वेट करना पड़ता है। वेट करेंगे तो ये ओके है कैसे मालूम पड़ेगा? वेट जितना होगा इतना है, हर एक कार्टिज का अलग अलग हो सकता है। तो एम्प्टी वेट समझो 900 है, फुल वेट होना चाहिए 1100, तो कितना ग्राम की कैपेसिटी वाला होगा? 200 ग्राम, 900 1100। अब उसका एक्चुअल वेट करेंगे तो 2-5 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मगर हमको फायर फाइटिंग के लिए एक कार्ट्रिज एक्स्ट्रा साथ में डालनी तो फुल चाहिए। यदि ट्रेनिंग में डालनी है तो 180 समझो 200 में से 180 ग्राम है, अब कहने का मतलब 10% 10% हम ओछू हो तो लगभग ट्रेनिंग में वापसी करवा। बाकी फायर फाइटिंग के लिए फुल चार्ज होनी चाहिए, फुल भरा हुआ होना चाहिए, मगर ये करता है।